अंकुशा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। गजा में फंसे कैनेडियन शहरियों का इनखला जारी। ट्रूडो का कहना है कि तमाम कैनेडियन शहरियों के इनखला तक ऑपरेशन जारी रहेगा, हम दिन रात काम करते रहेंगे। कैनेडियन हुकूमत का नफरत पर मबनी जराइम से खौफजदा कम्युनिटीज के लिए फंडिंग का ऐलान। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर का कहना है कि निजी सिक्योरिटी और दीगर हिफाजती इकदाम के लिए $5 मिलियन खर्च किए जाएंगे। फंडिंग को मौजूदा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में शामिल किया गया है। कनाडा के हाउसिंग मिनिस्टर वज़राए आला के सामने डट गए। मजीद घरों की तामीर के लिए बल्दियात के साथ बराह रास्त काम जारी रखने का ऐलान। शॉन फ्रेजर का कहना है कि हाउसिंग बहरान के दौरान मुझे सुस्त होने की कोई जरूरत नहीं। G7 इजलास, शुमाली कोरिया की रूस को हथियारों के मुंतकली की मजम्मत। गजा में क्याम अमन की कोशिशों को बहाल करने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल। रूस यूक्रेन तनाजा भी जेर बहस। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. Canadians ke pehle group ke Gaza se nikalne ke baad Trudeau ne vaada kiya ki sabko nikalne ka kaam jari hai. Mazeed janenge is report mein. कैनेडियंस के पहले ग्रुप के गजा से निकलने के बाद ट्रूडो ने वादा किया कि सबको निकालने का काम जारी है। पहले दिन कैनेडियन गजा से निकलने में कामयाब हुए। दर्जनों शहरियों और इस मुल्क से ताल्लुक रखने वाले अफराद को निकालने में कामयाब हुए। वफाकी हुकूमत के इस अजम के साथ के आने वाले दिनों में काम जारी रहेगा ताकि तमाम लोगों को इस खत्ते से निकलने में मदद मिले, जहाँ एक संगीन इंसानी बहरान जारी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उमूर खारजा की वजीर मिलानिया जूली ने कहा कि हुकाम की एक टीम ने सरहद के मिस्री जाने पहले ग्रुप से मुलाकात की, उन्हें मदद और देखभाल फराहम की। आटोवा में बैन अल-अक़वामी तरक्की के वजीर अहमद हुसैन ने इस खबर की तस्दीक करते हुए कहा कि कैनेडियन महफूज और सेहतमंद हैं। एक बयान के बाद ग्लोबल अफेयर्स कैनेडा ने कहा कि बाहर निकलने वाले पहले ग्रुप में तकरीबन 20 से 25 कैनेडियन शामिल थे। महकमे ने कहा कि वो दिन के अख्ताम तक 80 कैनेडा के शहरियों, मुस्तकिल रिहायशियों और अहले खानदान के अफराद के गजा छोड़ने की तवक्को कर रहा है। मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर GAC की ताज़ा अपडेट के मुताबिक कुल 75 कैनेडियन, मुस्तकिल रिहायशी और खानदान के अफराद रफा सरहद अबूर करके मिस्र पहुँचे हैं। GAC ने मजीद कहा कि गजा से मजीद रवानगियों का मनसूबा जारी है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा, यह बहुत अच्छी खबर है। हमने रफा क्रॉसिंग से दर्जनों कैनेडियंस को हासिल किया है, लेकिन वहां से निकलने के लिए सैकड़ों हैं। इसलिए हम दिन रात काम करते रहेंगे जब तक कि तमाम कैनेडियन और उनके अहले खाना गजा से बाहर नहीं हो जाते। महकमे ने कहा कि जिन कैनेडियंस ने क्रॉसिंग के लिए मंजूर शुदा फहरिस्त में शामिल किया था लेकिन आज क्रॉस नहीं किया, उनसे कैनेडा के हुकाम बराह रास्त राब्ता कर रहे हैं। सूरत हाल काफ़ी गैर मुतवक्के है। निकाले गए अफराद काहिरा और फिर कनाडा जाएंगे। काहिरा में रहते हुए कनाडा रिहाइश, खुराक और बुनियादी ज़रूरियात फराहम कर रहा है। वफाकी हुकाम के मुताबिक मिस्र की हुकूमत गजा से आने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक मुल्क में रहने की इजाज़त दे रही है, ये बताए बगैर कि तमाम कैनेडियंस को निकाले जाने में कितने दिन लग सकते हैं। हुसैन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये पहला ग्रुप बकिया लोगों को निकालने के लिए रफ्तार पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में बहुत खुश हैं। ये हमारे इत्तेहादियों के साथ खत्ते में हफ्तों और हफ्ते की मेहनत का नतीजा है और हम गजा में फंसे बाकी कैनेडियंस को बाहर निकालने के लिए सख्त मेहनत जारी रखेंगे।
कैनेडियन हुकूमत ने कम्युनिटी ग्रुप्स जो नफरत पर मबनी जराइम से खौफजदा हैं के लिए सिक्योरिटी के लिए $5 मिलियन का ऐलान किया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कैनेडियन हुकूमत ने कम्युनिटी ग्रुप्स जो नफरत पर मबनी जराइम से खौफजदा हैं के लिए सिक्योरिटी के लिए $5 मिलियन का ऐलान किया है। कैनेडा के पब्लिक सेफ्टी के वजीर डोमिनिक ली ब्लैंक का कहना है कि हुकूमत नफरत फैलाने वाले तशद्दुद में इजाफे से परेशान कम्युनिटी ग्रुप्स के लिए निजी सिक्योरिटी और दीगर हिफाजती इकदामात पर $5 मिलियन खर्च कर रही है। डोमिनिक ली ब्लैंक का कहना है कि इजाफी फंडिंग उन बढ़ते खदशात का जवाब है जो अरकान पार्लियामेंट उन हल्कों से सुन रहे हैं जो कहते हैं कि वह हालिया बैन अल-अक़वामी वाक़ियात के नतीजे में अपनी से खौफजदा हैं। ली ब्लैंक ने कोई और वजाहतें पेश नहीं की, लेकिन इसराइल और हमास के दरमियान जारी जंग ने पूरे कनाडा में एहतजाज को जन्म दिया है और यहूदी और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों में खौफ पाया जाता है। फंडिंग जिसे मौजूदा सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम में शामिल किया गया है, कम्युनिटी तंजीमों को आरजी निजी सिक्योरिटी सर्विसेज जैसी चीजों के लिए दरख्वास्त देने की इजाजत देगी। अहलियत के कानून को भी बढ़ा दिया गया है ताकि डे केयर की सहूलियात, कम्युनिटी सेंटर्स और कमजोर कम्युनिटीज के जेर इस्तेमाल दफ्तरी इमारतों तक रसाई की इजाज़त दी जा सके। इस दौरान ली ब्लैंक का कहना था कि वो लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के साथ काम कर रहे हैं। कनाडा के वजीर हाउसिंग ने सूबों के वज़रा आला की तरफ से उन्हें ब्लॉक करने की धमकियों के बावजूद शहरों के साथ काम जारी रखने का अज़म किया। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर हाउसिंग ने सूबों के वज़रा आला की तरफ से उन्हें ब्लॉक करने की धमकियों के बावजूद शहरों के साथ काम जारी रखने का अज़म किया। शॉन फ्रेजर का कहना है कि हाउसिंग बहरान के दौरान मुझे सुस्त होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वफाकी वजीर हाउसिंग शॉन फ्रेजर ने कहा कि वो मजीद घरों की तामीर के लिए बल्दियात के साथ बराह रास्त काम करना बंद नहीं करेंगे, चाहे इससे वज़राए आला परेशान हो जाएं जो कहते हैं कि वफाक दायरा इख्तियार में मसरूफ है। पार्लियामेंट हिल पर नामा निगारों से बात करते हुए शॉन फ्रेजर ने कहा कि वफाकी हुकूमत के हाउसिंग एक्सकलेटर फंड जो कस्बों और शहरों को रकम फराहम करता है जो सिर्फ फीते को कम करने का अहद करते हैं ने कुछ इब्तदाई कामयाबी देखी है और बिलाखिर 10,000 नए घरों की तामीर में सहूलत फराहम करने में मदद मिलेगी। शॉन फ्रेजर ने कहा कैनेडियन तरक्की देखना चाहते हैं, ना कि इस बात पर कि विफाक को बराह रास्त बल्दियात को चेक काटना चाहिए। कैनेडा मार्गेज एंड हाउसिंग कॉरपोरेशन का तखमीना है कि मुल्क को 2030 तक मजीद 3.5 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स बनाने की जरूरत है ताकि मुल्क की आबादी में इजाफा हो। हाउसिंग मिनिस्टर की जानिब से प्रोग्राम का दिफा सूबों के वज़राए आला की तरफ से विफाक को एक इंतबाह जारी करने के एक दिन बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि एक्सकलेटर फंड की मंसूबा बंदी में सूबों और इलाकों को शामिल करें या नई सूबाई कानून साजी का सामना करने वाले खतरे का सामना करें जो उन सौदों को मुकम्मल तौर पर रोकता है। G7 वज़राए खारजा ने शुमाली कोरिया की जानिब से रूस को हथियारों के मुंतकली की मजम्मत की है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। G7 वज़राए खारजा ने शुमाली कोरिया की जानिब से रूस को हथियारों के मुंतकली की मजम्मत की है। टोक्यो में दो रोज़ा सरबराह इजलास में G7 ममालिक के वज़राए खारजा ने मशरिक वस्ता और गजा में क़याम अमन की कोशिशों को बहाल करने के तरीकों पर भी तबादला ख्याल किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान के वजारत खारजा ने कहा है कि G7 वज़राए खारजा ने शुमाली कोरिया के बार बार बैलिस्टिक मिज़ाइलों के तजुर्बात के साथ साथ शुमाली कोरिया से रूस को हथियारों की मुंतकली की मजम्मत करते हुए कहा कि ये इकदाम अक़्वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतालिका करारदादों की बराह रास्त खिलाफ वर्जी है। मेज़बान मुल्क जापान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह मामला गुज़िश्ता रोज़ वर्किंग डिनर के दौरान ज़ेर बहस आया। G7 ममालिक के वज़रा खारजा के साथ इसराइल गजा तनाज़ा यूक्रेन में रूस की जंग और चीन से मुतालिक मसाइल पर बातचीत आज भी जारी रहेगी। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी। News are precise and effective.